हेलो दोस्तों, आज हमारे देश में लॉकडाउन लागू हुए कुल 6 दिन हो गए हैं, फिर भी कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों की गिनती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकार, डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस फोर्सेस, स्वयंसेवी संस्थाएं एवं न जाने कितने लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर लगे हुए हैं हमें इस बीमारी से छुट्टी दिलाने। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी हम इस बीमारी को बढ़ते से रोक नहीं पा रहे, इसको फैलने से रोकने में असमर्थ हो रहे हैं। उसे यदि हमें इसे फैलने से रोकना है, यदि हमें इस बीमारी को जड़ से उखाड़ना है, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है। कुछ दिनों के लिए हमें खुद को अपने घरों में कैद करना है, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने समाजजनों से मिलने से हमें खुद को रोकना होगा, तभी हम इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, प्रकृति ने हमें अनजाने में एक अवसर दिया है कि हम अपने दैनिक जीवन की भागदौड़ से आराम पाकर अपने घर में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ कुछ समय बिताएं और उनके साथ बैठकर सामूहिक रूप से यह प्रार्थना करें कि हमें जल्दी से जल्दी इस बीमारी से छुट्टी मिल सके। दोस्तों, किसी भी काम में यदि उपलब्धि पाना हो, सक्सेस पाना हो, तो उसके दो तरीके। पहला होता है लक, हमारा नसीब, जो कि जाहिर रूप से कोरोना जैसी बीमारी से छुट्टी दिलाने में हमें काम नहीं आ रहा। दूसरा उपाय है सेल्फ डिसिप्लिन। जितना ज्यादा हम खुद पे काबू रखेंगे, जितना ज्यादा हमारी इच्छाओं पे काबू रखेंगे, खुद में डिसिप्लिन रखेंगे, हम इस बीमारी से उतनी ही जल्दी छुट्टी पा सकेंगे। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि सरकार के दिए हुए नियमों का, प्रशासन के दिए हुए निर्देशों का पालन करना है, घर पर रहना है, घर से नहीं निकलना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी सामान की आवश्यकता हो, तो हमें प्रशासन के दिए गए नंबरों पर फोन करके सूचना देनी है, सभी जरूरतों का सामान हमारे पास घर बैठे मिल जाएगा। हमें सिर्फ इतना करना है खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, घर में रहना है, सुरक्षित रहना है, स्वस्थ रहना है। जय जिंदगी।